हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। और आपको मैं वेलकम करती हूँ 7th स्टैंडर्ड में से 8th स्टैंडर्ड में। और बच्चों, अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, मींस जो 8th स्टैंडर्ड है उसकी जो तैयारी आपको करनी है वो परफेक्शन से करनी है, क्योंकि ये तैयारी आपकी आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो बच्चों, हम लोग हमारा नया सेशन 8th स्टैंडर्ड का चालू कर रहे हैं। और सेशन चालू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने आपको बेसिक करवाया था वो आप लोगों ने रेगुलरली किया है और उसको कंप्लीट किया है। क्योंकि बच्चों, बेसिक अगर जब तक आपको बेसिक नहीं आता है तो आगे फ्यूचर के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको बेसिक जो है वो जानना, नॉलेज ज़रूरी है। तो अब हम लोग हमारा नया सेशन स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश लेसन 1, और जो लेसन 1 हमारा है वो है आवर टेस्ट बर्ड्स। मतलब ये लेसन हमारे को हमारी ज़बान के बारे में, हमारी टंग के बारे में बताएगा कि हमारी टंग किस तरीके से यूज़फुल है और हमारी टंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेस्ट, वी कैन टेस्ट फूड बिकॉज वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। Our tongue has tiny bumps on it. The taste buds are buried in the sides of these bumps. There are clusters of buds on the back, on the tip, and on sides of the tongue. The nerves running from these buds to the brain tell us whether the food we are eating is sweet, sour, bitter, or salty. A mixture of taste and the smell of food is called its flavor. If we have a bad cold and our nose is blocked, the food we take hardly has any taste. The most comfortable way to take a bird tasting medicine is to hold our tongue while we swallow the medicine. See it yourself. These simple experiments can show us where our different taste buds are placed on our tongue. Place some sugar, lemon juice, salt, and vanilla essence on a plate. Make sure they do not mix. Using a clean paintbrush, put a little of each substance on different parts of your tongue. Can you taste the sugar and salt on the sides of your tongue? Where do you taste the other substance? यहाँ पे ये जो दिया हुआ नीचे, ये आप लोगों को आपके टंग के जो जबान है, आपकी जो जीभ है, उसके किस तरीके से उसके जो अलग अलग सेक्शन रहते हैं और उसमें किस तरीके से हमको टेस्ट फील होता है वो ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल सकता है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे अब ये लेसन लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। जैसे वी कैन टेस्ट फूड बिकॉज वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग, मतलब हम लोग हमारे जो फूड है उसका टेस्ट हमको जो हमारे टंग के ऊपर जो बर्ड्स रहते हैं उसकी वजह से पता चलता है। आवर टंग हैज टाइनी बम्स ऑन इट, मतलब यहाँ पे हमारे जो हमारी जो टंग रहती है वो बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं रहती है, स्मूथ नहीं रहती है, उसके ऊपर थोड़े थोड़े बम्स हमको दिखाई देते हैं। उसी के नीचे जो है वो बर्ड्स आर बरीड इन द साइड ऑफ दिस बम्स, मतलब जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो दोनों साइड के उसके नीचे जो हमारी जो जबान रहती है, जो उसकी लेयर रहता है उसके नीचे रहते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ द टंग द नर्व्स रनिंग फ्रॉम दिस बर्ड्स टू द ब्रेन टेल्स अस वेदर द फूड वी आर ईटिंग इज स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी। मतलब जो बर्ड्स रहते हैं उसकी वजह से जो मैसेज वो लोग ब्रेन को पास करते हैं और ब्रेन से हमको मैसेज मिलता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं, स्वीट मतलब मीठा, सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा और सॉल्टी मतलब खारा। तो ये सारे जो टेस्ट है वो जो बर्ड्स है वो ब्रेन को सेंड करती है कि मैंने अगर कोई चीज़ खाई, अगर आप कोई चीज़ खट्टी चीज़ खाते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है कि एकदम ऐसे करके आप एक्सप्रेस करते हो कि भाई मुझे बहुत खट्टा लगा। अगर कोई ठंडी चीज़ खा रहे हो आप तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़बान बिल्कुल ऐसे जो टंग रहती है वो नम हो गई है, थोड़ी देर तो कुछ पता नहीं चलता है। और अगर कोई चीज़ खारी रहती है तो भी हाल क्या हमारी जो टंग है
हमारा फेस उसको रिएक्ट करता है, और कड़वी चीज़ भी हमको पता चलती है, कड़वी चीज़ हम लोग नहीं खाते। जैसे कि अगर दवा आपको पीनी है तो दवा में आप कितना ज़्यादा टाइम मम्मा का वेस्ट करवाते हो, आप अपनी मम्मा को बोलते हो कि दवा में हमको शक्कर शुगर चाहिए, शहद हनी चाहिए, कुछ भी डाल के उसके बाद ही आप लोग दवा पीते हो। तो वो जो बिटर टेस्ट रहता है वो हमारी टंग को पता चलता है, और वो टंग जो है वो हमारे ब्रेन को सेंड करती है मैसेज कि भाई ये जो चीज़ मैंने खाई है वो कड़वी है। ओके, अ मिक्सचर ऑफ टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ फूड इज कॉल्ड इट्स फ्लेवर। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं और उसका जो टेस्ट आता है, उसकी जो स्मेल आती है, जिससे हमको पता चलता है कि जो खाना कैसा है, तो उस वो बोला जाता है फ्लेवर। जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ अगर अच्छी ताज़ी खा रहे हो तो वो आपको पता चलता है कि अच्छा फ्रेश खाना है। अगर बाय मिस्टेक कोई चीज़ बासी या ख़राब आ जाती है, जो पड़ी हुई है और जो बिगड़ी है, तो वो आपको स्मेल करके आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ ख़राब है और ये मुझे नहीं खानी है। इफ़ वी हैव अ बैड कोल्ड एंड आवर नोज इज़ ब्लॉक्ड, द फूड वी टेक हार्डली हैज़ एनी टेस्ट। मतलब जब हमारे को सर्दी हुई रहती है, सर्दी खांसी रहती है, तभी हमारा जो टंग का जो जीभ का जो फ्लेवर है वो उसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर बीमार रहते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि जो टेस्ट है, जो टंग है, वो आपको टेस्ट बताना बंद कर देती है। तो टेस्ट बताना बंद कर देती है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आप खाओ उसका आपका टेस्ट ही नहीं आता है, इसीलिए आपको वो अच्छी नहीं लगती है। द मोस्ट कम्फर्टेबल वे टू टेक ए बैड टेस्टिंग मेडिसिन इज़ टू होल्ड आवर नोज वाइल वी स्वॉलो द मेडिसिन। अगर आपको पता है कि आप जब दवा खाते हो तो अपनी नाक बंद करके और आप दवा जल्दी से खा जाते हो, क्योंकि जो स्मेल अगर आपको नहीं आती है तो टंग को भी इतनी जल्दी पता नहीं चलता, और दवा जब तक टंग समझ पाएगी और सोच पाएगी तब तक तो दवा आपके थ्रोट के नीचे, गले के नीचे चली जाती है। तो ये जो नीचे दो दिया हुआ है ये एग्जाम्पल है कि आप अपने टंग को किस तरीके से, टंग का टेस्ट कहाँ कहाँ अलग अलग पोर्शन में है वो आप कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा आज का लेसन था, और आपको ये लेसन रीड करना है अच्छी तरीके से, और इसको आपको ये लेसन को 3 times पूरा लेसन लिखना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। और ये जो है सी इट योर सेल्फ, ये आपको ट्राई करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपके टंग का फ्लेवर कैसा है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आगे का लेसन 1.1 एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हमारा लेसन था हमारे टंग के बारे में, तो आपको ये लेसन कंप्लीट करना है, और फोटो, इसका फोटो हमको सेंड करना है। यहाँ पे ये आपको समझाया हुआ है कि आपको किस तरीके से करना है, और आपको हमारी ये जो सेक्शन है, ये चैनल है, आपको उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर मैंने आप लोगों को जो लेसन समझाया है आपको अच्छा लगा होगा तो आपको इसको लाइक भी करना है, और आपको आपका होमवर्क सही तरीके से करना है और फोटो सेंड करने हैं। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय, सी यू अगेन।